किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जब हृदय में आशाओं के दीपक जलते हैं तो वक्त नहीं लगता वक्त बदलते हुए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब किसी परिवार में एक नन्हे बच्चे के आने की किलकारी गूंजती है तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है? वो अपने साथ खुशियों की एक नई दुनिया और आशाओं के अनेकों अनेक दीपक जगा कर लेकर आती है। कितना उत्साह हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज और अच्छी परवरिश देना चाहते हैं और बच्चे भी माता पिता के साथ रहकर खुशियों की उस दुनिया में समा जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम देखें पिछले कुछ दशकों से ये परवरिश का सुंदर सिलसिला, ये पेरेंटिंग का सुंदर आर्ट जो है वो एक चैलेंज के रूप में उभर कर आ गया है। यदि सोचिए तो पेरेंटिंग जिसका आधार ही प्यार है, जिसका आधार ही ट्रस्ट है, उस यात्रा को कैसा होना चाहिए? उसको तो बहुत सुखद और खुशी और आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमने अपने ही कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण, कुछ भूलों के कारण इसको एक चैलेंज के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अगर आज माँ बाप से पूछें तो माता पिता कहते हैं, हमने तो अपने बच्चों को सब कुछ दिया जी, हमने उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हमने उनको अच्छी शिक्षा दी, हमने उनको ऐसी वैल्यूज दी, हमने सब कुछ उनके लिए किया। लेकिन आजकल के बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। अब अगर आप देखें तो ये आजकल के बच्चे, ये आज एक सुंदर वर्ड के रूप में उभर गया है। हर व्यक्ति आजकल के बच्चे शब्द का उपयोग करता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अपने सामने रख देता है। बच्चों का पर्सपेक्टिव देखें तो बच्चे कहते हैं कि भाई, हमारे माता पिता तो हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को नहीं समझते। हम उनसे कहते भी हैं तो वो वापस ही हमको सुना देते हैं। हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अपने मित्र, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हुए। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी एक वंडरफुल साइंटिफिक स्टडी हुई, कोविड के दौरान हुई, लेकिन उसने हमारे पेरेंटिंग का एक बहुत सुंदर परिप्रेक्ष्य हमारे सामने रखा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस स्टडी ने बताया कि पिछले कई दशकों से जब उन्होंने 3000 पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के थे और उनकी मानसिक स्थिति को जानने की कोशिश की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दो में से एक पेरेंट ने कंप्लेंट किया कि उनकी मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी और स्ट्रेस पहले से बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। उनके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी वो बढ़ चुकी है। बच्चों के प्रति कॉन्फ्लिक्ट्स, परिवार में लड़ाइयां, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है। 25% इंक्रीज है इसके अंदर। दोस्तों, उनका ये भी कहना था कि जब वो बच्चों के साथ बैठते हैं तो अधिकतर उनकी जो बातचीत है वो कभी कभी क्रोध, कभी इरिटेशन, कभी कभी चिल्लाना भी, या यूं कहें कभी कभी बहुत तेज येल करना, इसमें परिवर्तित हो जाता है। ऐसी ऐसी नकारात्मक भावनाएं भी आ जाती हैं और अक्सर वो अपने बच्चों से दूर चले जाते हैं। उनका यह भी कहना था कि ऐसे समय पर डिजिटल अब्यूज, डिजिटल एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज, ये भी सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। और यही नहीं दोस्तों, पेरेंट्स की भी मानसिक स्थिति उन बच्चों के ऊपर पावरफुल असर डाल रही थी। यानी अगर परिवार में भी डोमेस्टिक वायलेंस है, माता पिता में अच्छे संबंध नहीं है, तो वो भी बच्चों की मानसिक स्थिति पर एक नेगेटिव प्रभाव डाल रही थी। तो अब आप सोचिए कि एक सुंदर यात्रा को हमने कितना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। क्या है इसके अंदर? कोई डिफिकल्टी तो है ही नहीं, लेकिन अपनी सोच, अपनी इच्छाओं, अपनी नेवर एंडिंग पूर्तियों के कारण, अपने प्रेजेंटेशन, या अगर हम यूं कहें, लेकिन दोस्तों, अपने दृष्टिकोण के कारण ही हमने इस सुंदर यात्रा को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर लिया है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके रिश्ते बहुत सुंदर हों? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सक्सेसफुल हों, वो जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें और जितना चाहें वो उसको अचीव कर पाए? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे संबंध बहुत बहुत खुशी और आनंद से परिपूर्ण हो? दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास आज आरंभ किया है। आज से हम आपके सामने एक इंटरेस्टिंग और वंडरफुल सीरीज आप ही के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं द आर्ट एंड मैजिक ऑफ पेरेंटिंग। दोस्तों, ये एक सुंदर कला भी है और ये एक सुंदर साइंस भी है, और यदि हम कहें तो इसमें संकल्पों के जादू का भी समावेश है। इस यात्रा के दौरान हम आपको पेरेंटिंग के पीछे क्या लॉजिकल साइंस है,
इसके पीछे मैकेनिज्म्स क्या हैं, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हुए आनंद से परिपूर्ण कर सकते हैं, सब कुछ करते हुए भी अपने मन को भी रिलैक्स कर सकते हैं, अपने मन को भी पावरफुल बना सकते हैं दोस्तों, ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपके सामने लेकर प्रस्तुत करेंगे। यही नहीं दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न है, आपकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लगता है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप हमसे चाहते हैं, तो उनको अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अनेकों की प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स को आप हमारे को ईमेल कर दीजिए, और हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। आपकी इन प्रॉब्लम्स को हम इंटरेस्टिंग और सिंपल सॉल्यूशंस लेकर आपके ही इन एपिसोड्स इस प्रोग्राम में लेकर दोबारा उपस्थित होंगे और उन सॉल्यूशंस को आपके सामने दोस्तों रखेंगे। तो तैयार है एक सुंदर वंडरफुल दुनिया बनाने के लिए दोस्तों? ये संबंधों की श्रेष्ठ दुनिया हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से परिवर्तित होती है। अगर हमारे संकल्प पावरफुल हैं, हमारे संकल्प पॉजिटिव हैं, हमारे संकल्पों में दृढ़ता है दोस्तों, तो ये पेरेंटिंग जो चैलेंज के रूप में उभरा है, इसको हम एक सुंदर आर्ट बना सकते हैं, इसको हम मैजिक बना सकते हैं। तो इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस सुंदर यात्रा पर, और आपसे सुनने के लिए भी हम आतुर हैं, हम इच्छुक हैं। ओम शांति।